दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस और बिहार फायर सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आपको आज एक छोटा सा अपडेट बताने वाला दोस्तों, जो अक्सर हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हुए अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। तो यहां पे मैं दिखा देता हूं, ये मैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल की वेबसाइट में हूँ। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन पर जाइएगा, देखिए यहाँ पर डाउनलोड ई एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास तीन सर्वर खुल के नज़र आएंगे। तो कोई भी सर्वर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट कलर प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड। तो जी हाँ दोस्तों, आप कलर प्रिंट आउट लेके जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है तो हम लोग ब्लैक एंड वाइट लेके ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। ये बात मुझे भी पता नहीं चलती दोस्तों, अगर मैं आज साइबर कैफे नहीं जाता, वहाँ पे जब मैं गया अपना फ़ोटो निकलवाने के लिए तो वहाँ कुछ लोग बिहार पुलिस का ये एडमिट कार्ड निकलवा रहे थे। तो मैं वहीं पर बैठा हुआ था, देखा जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर वो एंटर किए तो नीचे भी मैं देखा यहाँ कलर प्रिंट आउट निकालना, और वो लोग बोल रहे थे ब्लैक एंड वाइट निकलवाने के लिए। तो मैं देखा तो तुरंत बोला कलर प्रिंट आउट निकलवाना है यहाँ पे, तो वो लोग फिर कलर प्रिंट आउट निकाले। तो मुझे लगा कि ये बात आपको भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में ये हड़बड़ी कर देते हैं। और दोस्तों, ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कलर प्रिंट आउट निकालना है, उसमें सिर्फ दिशा निर्देश वगैरह दिया गया, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट में ही दे दिया गया कलर प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा दोस्तों, जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग प्रिंट आउट तो निकलवा लेते हैं यहाँ पे, लेकिन नीचे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ वो पढ़ना भूल जाते हैं। और मैं एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, तो अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम देते हैं और सिलेक्शन हो जाता है तो आप एडमिट कार्ड को संभाल के रखिएगा, उसे फेंकिएगा नहीं, क्योंकि आगे उसे एडमिट कार्ड को मांगा जा सकता है। इस प्रकार की रेगुलर और बेहतर वीडियोस पाने के लिए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे भला हो सके किसी का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में नए और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।